राष्ट्रपति चुनाव के बीच अब उपराष्ट्रपति चुनाव की भी चर्चा होने लगी है। दोनों चुनावों में भाजपा के लिहाज से स्थितियां भिन्न हैं। राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सहयोगियों और मित्र दलों के समर्थन की जरूरत है, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में उसके पास अपने कैंडिडेट की जीत सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त वोट है। उपराष्ट्रपति चुनाव के बीच केवल लोकसभा और राज्यसभा के सांसद वोट करते हैं, इसमें सांसद के नामित सदस्य भी मतदान करते हैं। अब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले कोई उपचुनाव या द्विवार्षिक चुनाव नहीं होगा। ऐसे में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल यानी कि इलेक्ट्रल रोल 775 सदस्यों का है। इसमें लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 232 सदस्य शामिल हैं। तो वहीं खबर यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए NDA का उम्मीदवार बना सकती है। सूत्रों ने रविवार को इसकी जानकारी दी। कैप्टन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। अब खबर यह भी आ रही है कि उन्होंने जो अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का गठन किया था, उसकी भी भगवा खेमे में विलय करने की तैयारी चल रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2022 का पंजाब विधानसभा चुनाव भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन में लड़ा था। हालांकि इस चुनाव में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। नई नवेली आम आदमी पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई। उपराष्ट्रपति पद के लिए 6 अगस्त को चुनाव होना है। वर्तमान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। इस चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य वोट डालते हैं। भाजपा के लिए लड़ाई काफ़ी आसान है। दोनों सदन मिलाकर भगवा खेमे के पास पूर्ण बहुमत है। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए और भी कई नाम चल रहे हैं। इनमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी शामिल है। जल्दी किसी एक नाम पर BJP का शिव नेतृत्व और संसद बोर्ड मुहर लगा सकता है। BJP के सूत्रों का कहना है कि राष्ट्रपति कैंडिडेट की तरह यह नाम भी चौंकाने वाला हो सकता है। पंजाब भाजपा के वरिष्ठ नेता हरजीत सिंह ने न्यूज एजेंसी PTI को बताया कि अमरिंदर सिंह लंदन से लौटने के बाद अपनी पंजाब लोक कांग्रेस का भाजपा में विलय कर सकते हैं। हरजीत ने दावा किया है कि कैप्टन ने लंदन जाने से पहले अपनी पार्टी का भाजपा में विलय करने की इच्छा व्यक्त की थी। उन्होंने ये भी दावा किया कि कैप्टन अपनी वापसी पर विलय की घोषणा करेंगे। VideoDesk AmarUjala.com डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।